मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच देर रात वाराणसी के सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से हमारे संवाददाता दिग्यांशु ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। सर, ओपी राजभर जी ने वो भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री है, कोई भी उनसे मिल सकता है। इससे पहले खुद ही मंत्रिमंडल में थे जब हमारे साथ थे, भाजपा के साथ तो हीरो थे, हम जाने के बाद क्या हो गए हैं, आज के दिन में हमेशा रहे हैं। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, मिलने से ज़्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनना। कभी इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, सुबह उनके सोपार उनके, शाम को उनके कुछ और बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, कभी इनकी तारीफ कभी उनकी तारीफ। राजनीति में विश्वसनीयता बहुत माने रखता है, तो हम तो ही कहेंगे विश्वसनीयता भरोसेमंद बने और निश्चित रूप से है और स्वागत है उनका। और हमारे विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर सहमत हैं तो बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्वागत है। सर, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में से 80 में से 80 सीट जीतने का दावा किया, आप किस तरीके से? वो तो 2014 से जीत रहे हैं, 2014 में आए, देखो उल्टी गिनती 2017, 2022, 2019, 2022, वो जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है और जीते हैं। बोलते अपने लिए जीतते हैं हम लोग हैं और हम लोग काम करें और बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म के लिए काम करें, इसलिए जनता हमारे साथ है। और इन लोगों का अवसर था और सर गंवा दिया, अब कुछ भी बोलने का अलावा रह क्या गया। सर, निषाद पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है 2024 चुनाव को लेकर? देखिए 80 की 80 सीट में तो 35 ऐसी सीटें जहाँ निषादों की संख्या अच्छी खासी है, 3.5 से 4.5 लाख वोट है। ऐसी सभी सीटों को हम लोगों ने सेक्टर लेवल तक का गठन हो चुका है और हम ऐतिहासिक जीत दिलाई गई, जिसमें से ज़्यादातर हम 2.5 से 3.5 लाख हैं। कोई ऐसा लोकसभा नहीं जिसमें हम 80 से 1 लाख हों, हम विजय दिलाएंगे। और देखा होगा आपने 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी और प्रकाश राजभर भैया भी अलग थे, फिर हम लोग मोदी के साथ खड़े थे और देखो ऐतिहासिक जीत मिली 2022 मिली। और सभी बड़े महानगर जो हैं नदियों के किनारे हैं और हमारे अच्छी खासी आबादी है, और देखा नगर पालिका में ऐतिहासिक जीत मिली है। उसी तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, निषाद राज ने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म हुआ। तो हम लोग इसी मुद्दे में आज एक निषाद राज के वंशज बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया मोदी योगी ने, तो हम लोग किसी मुद्दे के हल के लिए आए हैं। जैसे इनको विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर थे, इनके लिए नीतियाँ बनवाने के लिए, निषाद राज के लिए को पर्यटक स्थल घोषित कराना, 56 फुट की मूर्ति और उसे संगल से मंगल कराना, अभी क्या नाम है निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा सब है, तो ये सब कुछ है। और आप देख सकते हैं कि आज हम आरक्षण के मुद्दे को हल कराने के लिए हम लोग मोदी पहली सरकारों में जाते डंडे खाते थे, आज मोदी जी इस पर चर्चा करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, तो जिस पर चर्चा होता वो काम हल होता। तो निर्णय दौर में तो हमारा समुदाय इसीलिए महत्व मोदी के साथ है, 2024 में मोदी जी को गद्दी बैठा है। इतना जरूर कहेंगे कि 2022 में विधान परिषद विधानसभा में निषाद पार्टी गई तो एक सिंबल निश्चित रूप से निषाद पार्टी का लोकसभा में आएगा। टीवी 100 बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संजय पांडे के साथ मैं दिग्यांशु, टीवी 100 दिल्ली।